हाय एंड वेलकम टू अवर प्रीनेटल एक्सरसाइज क्लास। आज हम बहुत ही इम्पोर्टेंट एक्सरसाइज करेंगे, वो है हाफ स्क्वाटिंग। इट इज ऑल्सो नोन एज बॉक्स स्क्वाट। ये एक्सरसाइज एक कंपाउंड एक्सरसाइज है। सो ये एक्सरसाइज हम स्टार्ट करते हैं। बिफोर दैट, अगर जो आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। पसंद आए तो लाइक एंड शेयर ज़रूर से कीजिएगा। स्टार्टिंग विथ हाफ स्क्वाट, आपको एक नॉन स्लिप योगा मैट यूज करना है। स्प्रेड योर लेग हिप विथ अपार्ट, दोनों हाथ आगे कीजिए टू मेंटेन बैलेंस। अब आपको नीचे बेंड होना है फ्रॉम योर नीज एज इफ यू आर सिटिंग ऑन अ चेयर। आपको हिप बार की तरफ करना है एंड इफ कंफर्टेबल ट्राई टू कीप टू बी इन दिस पोजिशन टिल काउंट ऑफ 5। ये आप 7 to 10 रिपीटेशंस कर सकते हैं। दिस एक्सरसाइज यू कैन स्टार्ट फ्रॉम सेकंड ट्राइमेस्टर, दैट इज योर फोर्थ मंथ के अराउंड। ये जब आप एक्सरसाइज करेंगे तो आप जब बैंड करेंगे तब दोनों नीज आपके पॉइंट टुवर्ड्स फ्रंट होने चाहिए और टोज भी टुवर्ड्स फ्रंट होने चाहिए और नीज और टो का लेवल जो है वो सेम होना चाहिए, नीज आगे नहीं जाने चाहिए पैर। It improves gluteal, thigh and calf muscle strength and it helps in labor process and it helps to have a easier birth experience. अगर जो ये exercise आप करना चाहते हैं, trimester wise accordingly आप सीखना चाहते हैं, तो आप मेरी माँ डायरी प्रोग्राम में एनरोल कर सकते हैं। डिटेल सारी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। अगर जो कोई भी अनयूजुअल फीटल मूवमेंट आपको फील हो, अगर जो आपको पेन हो, डिसकम्फर्ट हो इन योर पेल्विस और द ग्रोइन और द एब्डोमिनल एरिया, सो इमीडिएटली डिसकंटिन्यू दिस एक्सरसाइज। अगर जो आपको शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ फील हो, डिजीनेस फील हो, तो भी आपको ये एक्सरसाइज तुरंत ही डिसकंटिन्यू करना है। अगर जो आपको चक्कर है ऐसा फील हो तो डिसकंटिन्यू दिस एक्सरसाइज इमीडिएटली। बिफोर द एक्सरसाइज यू शुड हैव अ लाइट स्नैक और एटलीस्ट हैव अ पीस ऑफ फूड। आपको एम्प्टी स्टमक की एक्सरसाइजेस नहीं करना है। हैव अ हैप्पी प्रेगनेंसी एंड सेफ बर्थ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।